Hello guys, welcome to Achieve IAS. My name is Ayush Methi. इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की. कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट तो एक बहाना है जो कि करंट अफेयर था. बहाना क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ना केवल कोलकाता पोर्ट के बारे में बताऊँगा बल्कि बहुत सारी नॉलेज पोर्ट्स के बारे जो हमारे देश में जितने भी पोर्ट्स हैं उनके बारे में बताऊँगा. चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं. बहुत सारा कंटेंट आपको इसमें मिलने वाला है. देखो न्यूज़ क्या आई हाल ही में, जो हमारा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है, बेसिकली अगर कोलकाता पोर्ट को जो संभालता है जो ट्रस्ट है उसकी 150th एनिवर्सरी थी. काफ़ी ओल्ड है ये. और इस 150th एनिवर्सरी पे, इस ओकेशन पे इसका नाम चेंज करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया गया है. पोर्ट के दो डिस्टिंक्ट डॉक सिस्टम में इसके, एक तो अपना कोलकाता डॉक्स है कोलकाता पे, दूसरा हल्दिया पे डीप वाटर डॉक है. ठीक है, याद करने वाली बात जो है आपके लिए वो ये है कि अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो कोलकाता पोर्ट ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है इंडिया में, ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट. एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. इसको कंस्ट्रक्ट किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा. तो ओल्डेस्ट है प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था. पोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, पहले भी था आज भी है. इसको कहते हैं गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया, गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया. इट द गाइडिंग फैक्टर टू इट इज़ दी, यहाँ पे इट है ये, ठीक है इट है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, माफ़ी चाहते हैं. ये गाइडिंग फैक्टर है ट्रेड और कॉमर्स के लिए. हमारा जो एंटायर ईस्टर्न इंडिया है जिसमें बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर जो ट्रेड होता है गेटवे, जैसा कि मैंने कहा ईस्टर्न इंडिया के लिए, वो ये है. और ट्रेड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होता है इसके ज़रिए. नेपाल और भूटान और लैंडलॉक जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी हम इसके ज़रिए ट्रेड कर लेते हैं आज़ादी के बाद से. वैसे पोर्ट की इम्पोर्टेंस घट चुकी है लेकिन आज भी ये प्रीमियर पोर्ट माना जाता है. क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं, अब घटी क्यों इम्पोर्टेंस, क्योंकि पार्टीशन हुआ बंगाल का तो इसकी जो पोर्ट की साइज़ थी वो रिड्यूस हो गई. और ईस्टर्न इंडिया में इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गया, तो कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस घट गई. अच्छा, प्रिलिम्स के लिए आपको जानना जरूरी है कि जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है बेसिकली ये ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर. ये मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है. अब जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं वो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते हैं. वैसे ये पोर्ट ट्रस्ट है ये भी इस तरीके से किया जाता है. अब ये जो पोर्ट ट्रस्ट है बेसिकली ट्रस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, है ना. ट्रस्ट तो एक ऑटोनोमस बॉडी है लेकिन जो जो संभालता है कोलकाता पोर्ट, ये मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1960 के द्वारा एडमिनिस्टर होता है. कोलकाता पोर्ट में अलग बात क्या, देखो कोलकाता पोर्ट ओनली रिवरीन मेजर पोर्ट है इंडिया का. अभी रिवरीन क्या है वो मैं समझाऊँगा आपको. ये बेसिकली आप देखेंगे कि इसका जो नेविगेशन चैनल है ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड में. अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको रिवेरिन पोर्ट, जिसको इनलैंड पोर्ट भी कहते हैं, और एक होता है सी पोर्ट, ठीक है. तो कोलकाता पोर्ट हमारा ओनली रिवेरिन मेजर पोर्ट है. अब हमारे दो तरह के पोर्ट होते हैं, मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट्स. मेजर पोर्ट हमारे उनमें इकलौता कोलकाता मेजर पोर्ट है जो कि इनलैंड है, ठीक है, रिवरिन है. रिवरिन मतलब जो कि रिवर पे लोकेटेड हो. आप देख सकते हैं जैसे कि ये पोर्ट्स हैं, आप देख लो ये धमरा देख लो, हैं ये देख लो, ये जितने भी पोर्ट्स हैं, ये सेंट हेड्स देखो, ये बेसिकली लोकेशन है ना. इसके 232 जो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि 232 किलोमीटर अपस्ट्रीम लोकेटेड है सेंट हेड्स, ठीक है. इससे यहाँ पे लोकेटेड है कलकत्ता. कलकत्ता रिवर पे लोकेटेड है, बाकी आप पोर्ट्स देख लो सी पे हैं, है ना. तो कलकत्ता जो पोर्ट अगर आप देखेंगे बेसिकली, अगर कलकत्ता की मैं बात करूं तो कलकत्ता एक रिवरिन पोर्ट इस वजह से है क्योंकि ये रिवर पे लोकेटेड है और बाकी जो पोर्ट्स हैं वो सी पे लोकेटेड होते हैं. और अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं. सी पे जो पोर्ट होता है वो जो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता, जबकि रिवर पे जो पोर्ट होता है वो आराम से एक्सपेंड हो सकता है. दूसरी बात, जो रिवर वाला होता है पोर्ट उस पर फ्लड्स वगैरह का काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है, फ्लो पे डिपेंड रहता है किस तरीके से काम होता है. तो जो कलकत्ता पोर्ट है, कलकत्ता की लोकेशन आप देख ही रहे, ठीक है. तो कलकत्ता पोर्ट हमारा रिवर पे लोकेटेड है इसलिए रिवर इन पोर्ट है. या
जान लीजिए, ठीक है। ओनली रिवर इन मेजर पोर्ट है इंडिया का। अच्छा, मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट्स की हम बात करते हैं। देखो, इंडिया के पास 13 मेजर पोर्ट्स हैं, कोलकाता पोर्ट्स, पारादीप पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट, कोचिन पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई पोर्ट, कांडला पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, टूतिकोन पोर्ट, एन्नोर पोर्ट, मोनमुगु पोर्ट और पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। अब देखो, सारे जो पोर्ट्स हैं हमारे, सारे मेजर पोर्ट्स प्लस माइनर पोर्ट्स, ये सब हमारे इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 के तहत रेगुलेट होते हैं। जितने भी हमारे इंडियन पोर्ट्स हैं ना, वो हमारे इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 के तहत रेगुलेट होते हैं। तो इंडियन पोर्ट्स में सारे हमारे मेजर पोर्ट भी आ गए, माइनर पोर्ट भी आ गए। अब ड्यूअल रेगुलेशन चलता है। ड्यूअल रेगुलेशन क्या चलता है? सबसे पहले तो ये एक्ट क्या करता है, ये एक्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की जुडिक्शन डिफाइन करता है पोर्ट्स पे, कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन से पोर्ट आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन से पोर्ट आएंगे और सेफ्टी किस तरीके से बनाए रखेंगे ये लोग। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आते हैं मेजर पोर्ट। मेजर पोर्ट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये गवर्न किए जाते हैं मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के द्वारा। अब सारे पोर्ट्स इसके अंदर आ गए, फिर इसमें से भी अगर छांट के मेजर पोर्ट निकाले तो उनका स्पेसिफिक जुडिक्शन होता है, गवर्न किया जाता है मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963। इसलिए मैंने बोला था डुअल रेगुलेशन है। अब एक जो फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इन्नोर पोर्ट को छोड़ दें, जो कि एक मेजर पोर्ट है। ये देखो मेजर पोर्ट है ना इन्नोर पोर्ट, इन्नोर पोर्ट को छोड़ दें यहाँ पे, तो ये कंपनीज एक्ट 1956 के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। वरना जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं हमारे, वो पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। अब ये पोर्ट्स बेसिकली सेमी ऑटोनोमस बॉडी के तौर पर काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर। जैसे कि हमने देखा था ना, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट करता है, वैसे जितने भी मेजर पोर्ट्स हमारे, ये ऑटोनोमस बॉडीज के तौर पे काम करती हैं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के। ये था हमने मेजर पोर्ट्स के बारे में पढ़ा कि मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के द्वारा गवर्न होता है, इन्नोर पोर्ट को छोड़ दे तो। माइनर पोर्ट्स हमारे क्या होते हैं? देखो, माइनर पोर्ट्स जो होते हैं हमारे, जिनको नॉन मेजर पोर्ट्स भी कहते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के मेरीटाइम बोर्ड्स के अंदर आते हैं। मतलब जो भी स्टेट है जहाँ पे माइनर पोर्ट्स लोकेटेड है, उन राज्य सरकारों के मेरीटाइम बोर्ड्स के अंदर इनका जुडिक्शन होता है। अब आप देख लो यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सब्जेक्ट है आपको पता है, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना स्टेट लिस्ट होती है ना। लेकिन स्टेट ऐसा नहीं है कि जितने भी जो माइनर पोर्ट्स हैं, अगर आप देखें वो, जैसे कि मैं अगर बात करूँ लिस्ट की, तो अगर कुछ लिस्ट है, कुछ जैसे मैं अपने यूनियन लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट की सब्जेक्ट जो होती है उनमें, आपको पता है कि यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में किस किसके ऊपर पावर रहती है कानून बनाने की, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट लिस्ट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के जरिए जो भी सब्जेक्ट इसमें आएंगे, जो भी रेगुलेशन की चीज़ें आएंगी, उनमें कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, मेजर पोर्ट्स में भी और नॉन मेजर पोर्ट्स में भी। मेरी बात समझ रहे हो आप? मेजर पोर्ट और माइनर जो पोर्ट हैं, दोनों पे कानून बना सकती सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उन्हीं सब्जेक्ट पे जो कि यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे आती हो, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो केवल माइनर पोर्ट पे बना सकती है, और माइनर पोर्ट पे भी उन्हीं सब्जेक्ट पे जो स्टेट लिस्ट पे आती हो। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा तो। मेजर पोर्ट, माइनर पोर्ट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हीं पे बना सकती है जिस पे यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे सब्जेक्ट आते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो भी सब्जेक्ट्स हो उसके तहत कानून बना सकती है। माइनर पोर्ट पे राज्य सरकार बना सकती है और उन्हीं पे बना सकती है जो स्टेट लिस्ट के अंदर आता हो। तो ये चीज़ बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, अभी तो आपको याद करने में मुश्किल आएगी। अच्छा, एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने क्या लिया इसमें कि जो रिसेंटली जो प्रोजेक्ट्स निकल के, इनिशिएटिव्स निकल के है भारत सरकार के द्वारा पोर्ट्स के तहत, पोर्ट्स के लिए, बता देता हूँ एक बार। देखो, सागरमाला प्रोजेक्ट निकला था अभी। सागरमाला प्रोजेक्ट बेसिकली पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए आया है इंडिया के कोस्ट पे। इसका, इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव ये है कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहता है। आपको पता है हमारी जो कोस्ट लाइन है वो 7500 किलोमीटर लंबी है, ये आपको याद रहना भी चाहिए। तो इस पूरी कोस्ट लाइन में जो पोर्ट है उसको डेवलप करने की कोशिश की जाएगी, नए डेवलपमेंट रीजन्स तक इनको कनेक्ट किया जाएगा और कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और
बेसिकली रोड सर्विसेज, जैसे कि पोर्ट होता है तो पोर्ट को एक रोड से कनेक्ट भी रहे, वो वाटर से कनेक्ट भी रहे, रेल से कनेक्ट भी रहे, उसका एक्सपेंशन किया जाएगा ताकि वो कोई भी आदमी जो है वहाँ पे पहुँच सके किसी भी ट्रांसपोर्ट के जरिए। अच्छा, सागरमाला जो प्रोजेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यूनियन जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है वो खुद एक नोडल मिनिस्ट्री के तौर पर काम कर रही है इस इनिशिएटिव के लिए, और वो करेगी। ये तो बहुत कॉमन सेंस ही बात है कि पोर्ट्स के लिए तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ही करेगी। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारें स्टेट सागरमाला कमिटीज़ बनाएंगी जिनको वहाँ के चीफ मिनिस्टर हेड करेंगे, नहीं तो वहाँ के मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ पोर्ट्स हेड करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर राज्य सरकार अपनी अपनी स्टेट सागरमाला कमिटीज़ बनाएंगी। सेंट्रल लेवल पे एक सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी बनेगी, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी बनाई जाएगी ताकि जो वेरियस प्रोजेक्ट इस इनिशिएटिव के तहत निकल के आए उनको असिस्ट किया जाए। कैसे? स्पेशल पर्पज व्हीकल बना के। अब स्पेशल पर्पज व्हीकल बेसिकली एक कंपनी के तहत एक कंपनी होती है। बेसिकली अगर मैं देखूँ स्पेशल पर्पज व्हीकल से कंपनी होती है या फिर एक ऐसे मान लो ऑर्गेनाइजेशन होता है, कुछ भी ऐसी चीज़ निकल के आती है, कुछ भी ऐसा इनिशिएटिव होता है जो कि किसी काम को करने के लिए बनाया जाता है, उस काम को जब वो ख़त्म हो जाता है तो इस व्हीकल को भी क्लोज कर देता है। व्हीकल मतलब ये कोई वाहन नहीं है, व्हीकल मतलब एक तरीके की बॉडी बनाई जाती है जो केवल उसी काम को पूरा करने के लिए बनाई गई है, उसके बाद से काम ख़त्म हो गया तो इस व्हीकल को भी बंद कर दिया जाएगा। इससे कहते हैं स्पेशल पर्पज़ व्हीकल बनाए जाएंगे सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा, ठीक, इन प्रोजेक्ट को संभालने के लिए। अब उन्नति प्रोजेक्ट अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जो मेजर पोर्ट्स का, ध्यान रखना मेजर पोर्ट्स प्रोजेक्ट सागरमाला अपना सारे पोर्ट्स के लिए था और प्रोजेक्ट उन्नति अपना मेजर पोर्ट्स के लिए था, तो मेजर पोर्ट्स का ऑपरेशन ढंग से हो। काफ़ी इनिशिएटिव्स इसमें लॉन्च किए गए, काफ़ी अच्छे अच्छे, और कैपेसिटी बढ़ाने की बात की गई, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात की गई, स्ट्रेटजिकली कुछ पोर्ट्स को स्ट्रेटजिकली चूज़ किया गया कि जैसे दो मेजर पोर्ट चूज़ किए गए इनको डेवलप करेंगे, और स्ट्रेटजिकली जो इनको ढंग रेगुलेटर पोर्ट रेगुलेटर के को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। पोर्ट रेगुलेटर एस्टेब्लिश करने से क्या होगा कि हम ये देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस क्या निकल के आ रही है, टेक्निकल स्टैंडर्ड क्या है किसी भी पोर्ट के, उसको मॉनिटर सेट करके मॉनिटर भी कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी इसमें बढ़ाने की बात की गई कि जो पोर्ट का रोल है वो कम से कम हो, मतलब ठीक है मेंटेनेंस वगैरह ये कर लें, बाकी जो डेवलपमेंट है, ऑपरेशन है, मैनेजमेंट है, ये सब जो है प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, केवल मेंटेनेंस का काम पोर्ट्स पे छोड़ दिया जाए। तो प्रोजेक्ट उन्नति के तहत मेजर पोर्ट्स का काम संभाला गया। अब इश्यूज़ क्या क्या है, देखो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं ये भी पोस्ट करके बताऊँगा कि मेजर जो सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स भारत सरकार के द्वारा लिए गए पोर्ट्स पे, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करके बताऊंगा, फिल्म्स के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इश्यूज़ एंड चैलेंजेस क्या क्या है इंडियन पोर्ट्स के लिए, सबसे पहले तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, मतलब टर्न अराउंड टाइम बहुत ज़्यादा है। सिंगापुर में देखो आप, जैसे कि एवरेज शिप टर्न अराउंड टाइम जो है एक दिन से कम है, लेकिन हमारे यहाँ पे दो दिन से ज़्यादा लग ही जाते हैं। पोर्ट कंजेशन काफ़ी ज़्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है, लिंकेज काफ़ी कम है, स्क्रूटनी और इंस्पेक्शन काफ़ी कम होता है कि भाई कितना सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, और कई ज़्यादा टेक्नोलॉजी इशूज़ सामने आते हैं, बर्थ नहीं है और वेसल्स ढंग से जो है उनको ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कतें आती हैं। इक्विपमेंट हमारे पास ढंग से नहीं है, तो कुल मिला के चीज़ें आपके लिए मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिल्म्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया। अब रेगुलेशन के तहत काफ़ी इश्यूज़ आते हैं, जैसे कि मैंने कहा आपको कि रेगुलेशन डुअल रेगुलेशन है ना, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क काफ़ी सही नहीं है, और प्राइवेट ऑपरेटर्स को ढंग से काम करने नहीं दिया जाता, काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, फॉरेन वेसल्स को छूट दी जाती है ड्यूटी पे करने से बंकर फ्यूल पे, बल्कि इंडियन वेसल्स को इनको पे करना पड़ता है। तो कई चीज़ें हैं तो कई, जैसे इनकम टैक्स हमारे, तो इंडियन जो फ्लैग वेसल्स हैं उनको टैक्स देना पड़ता है, बल्कि लेकिन जो और फॉरेन वेसल्स हैं अब्रॉड में वो टैक्स नहीं देना पड़ता। अब ये चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं कि एडुकेट ट्रेनिंग नहीं है, मैन पावर शॉर्टेज है, लीकेज काफ़ी ज़्यादा होती है, पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा था, जो तेल के जो वेसल्स हैं अगर वो गिर जाते हैं समंदर में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है मेरिटाइम इकोसिस्टम को। पोर्ट डेवलपमेंट जब आप करते हैं तो वहाँ पे ज़मीन छीनी जाती है किसानों से, तो डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है लोगों को, जैसे कि आंध्र प्रदेश में किया गया गंगावरम पोर्ट में, गुजरात में मुंद्रा पोर्ट में,
बाकी फिशिंग कम्युनिटीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, मैन पावर और लेबर इशूज़ हैं ही, और कॉम्पिटिशन काफ़ी अनहेल्थी है। एक होता है कॉम्पिटिशन, हेल्थी है ऐसा कॉम्पिटिशन जिससे सब मिलकर डेवलप करें, सीखें एक दूसरे से किस तरीके से आगे बढ़ना है, जैसे कंज्यूमर्स को फ़ायदा हो और प्रोड्यूसर्स को भी फ़ायदा हो। लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिशन अनहेल्थी है, मतलब डेवलपमेंट ढंग से नहीं कर पा रहे, है ना। तो डेवलपमेंट तब होगा जब कॉम्पिटिशन हेल्थी होएगा। आगे क्या कर सकते हैं हम, आगे ये कर सकते हैं इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ढंग से हो, लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस ढंग से हो, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस हमारे सामने निकल के आए ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। प्रायोरिटी हमको देनी पड़ेगी कैपेसिटी बढ़ाने में, ऑपरेशनल इफिशेंसी बढ़ाने में इम्फेसिस हमको देना पड़ेगा, ताकि जो कार्गो का हैंडलिंग, कार्गो जो सामान आता है हमारा, जो गुड्स आते हैं हमारे पोर्ट पे, उनको हैंडलिंग ढंग से हो। इसके लिए ऑफ कोर्स हमको टेक्नोलॉजी का यूज़ तो करना ही पड़ेगा, बिग डाटा, एडवांस GPS नेविगेशन सिस्टम का यूज़ तो हमको करना ही पड़ेगा, ये तो काफ़ी प्रीरिक्विजिट है, इसके लिए नेसेसरी चीज़ है। और साथ ही साथ हमको इन्वायरमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा, इन्वायरमेंट का ख्याल रखेंगे तो पोर्ट मॉडर्नाइजेशन भी ढंग से होगा, न्यू पोर्ट डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, और सागरमाला प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट उन्नति जैसे प्रोजेक्ट्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप लेकर आते हैं कि हम जो कॉस्ट है वो कम कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा सकते हैं। गाइज ये थी हमारी वीडियो, उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल पर मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी पोस्ट करता रहता हूँ अचीव IAS पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, God bless you all.